श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं मोक्ष भोग दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षे, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं, वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो, वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के विषय में जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था।
पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये चार प्रकार के पाप अर्थात कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी का पूजन करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में भी 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और फिर उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करे। यह दातुन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करे या त्याग दे। हे तात, षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करे। ओम अत्यद्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे।
उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उसके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद सद्योजातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम देव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करे। उन्हें अघोरेभ्यो अथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन्हें उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करे जब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक श्री शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। हे तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, शीर्ष सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र से और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1000 अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से ही मुखवास, तांबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल
निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य प्रकार के नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे, फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे, फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अज्ञानादिवा ज्ञानाज्जप पूजित पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे, फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करे, फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे, विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे, फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख तथा दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है, ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उनको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष ना हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य के से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति में परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता।
भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। हे मुने, विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह से देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी पूछी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। हे देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं।
उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की और उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, वे अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए वह ब्राह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या, नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसको लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करे। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करे। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो, जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमों, तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरी तरह फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहीं शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो, उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके
वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे, उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश जी का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करे, यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभाय युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजानंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वार पालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि के का अनुसरण करे। तदनंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन में बैठे अथवा उत्तनानासन या प्रियंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। आवाहन कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमम यथोक्त रूपिणम शंभु निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कर्पदिनम व्याघ्र चर्मोत्तरीयम च गर्ज चम्राम्बरम शुभम वासुक्यादि परीतांगम पिनाकाद्यायुधान्वितम सिद्धयोष्टौ च यस्साग्रे नृत्यनीह निरंतरम जय जयेति शब्दैश्च सेवितम भक्तपुञ्जकै तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्षयम् देव सेवितम् शरण्यम् सर्वसत्त्वानाम् प्रसन्न मुख पंकजम् वेदै शास्त्रेयार्था गीतम् विष्णु ब्रह्मनुतम् सदा भक्तवत्सलमानंदम् शिवम् वाह्याम्यम्। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की काल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए
जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थ पर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे, यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए, वेद मंत्रों अथवा समंत्र चतुर्थयंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे, अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछे, फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल जौ गेहूं मूंग और उड़द अर्पित करे, फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए, प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल शतपत्र शंख पुष्प कुश पुष्प धतूर मंदार द्रोण पुष्प गुमा तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे, बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण अथवा सुवासित उत्तम तैल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे, फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करे, तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे, इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। अर्घ्य मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घम नमस्तुते। हे प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करे, नैवेद्य के पश्चात प्रेमा पूर्वक आचमन कराए, तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करे, फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उसकी संख्या इस प्रकार है, पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करे, तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र आज्ञान्यादिवा ज्ञानाद्य पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर त्वादक स्वदग गत प्राण सर्वचित्तोहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमौ स्खलित पदानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभो,
धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करे, फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युतः प्रभो, पूजा काले पुनर्नाथ त्वया आगंतव्यमादरात। हे देवेश्वर प्रभो, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।